और हम लोग जा रहे हैं रांची। चलिए देखते हैं अभी हमारा सीट किधर है। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं। ये जो पीछे बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं, ये CIP का बोर्ड है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, वापस से एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो फिलहाल मैं हूं अभी सहरसा में और ये कोसी एक्सप्रेस है जिसमें मैं बैठा हुआ हूं। अभी आप लोग यहां सुबह का नज़ारा देख सकते हैं। अभी बजा है सुबह का 4 और हम लोग जा रहे हैं रांची। हम हैं और ये रही मम्मी और ये छोटा भाई है जो कि सो रहा है अभी। तो हम लोग जा रहे हैं रांची बिकॉज मम्मी को थोड़ा दिखवाना था एक न्यूरोलॉजिस्ट से। तो चलते हैं और आप सबको दिखाएंगे वहाँ का, रांची का क्या देखने को मिलेगा, मतलब नया नया कुछ ना कुछ। तो चलेंगे और रांची घुमाते हैं आप सबको। चलिए देखते हैं। अभी सहरसा में हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में, तो अभी पहुँचते हैं पटना। फिर पटना से दूसरी ट्रेन है शाम में 3 बजे जिसमें हम लोग बैठेंगे और चलेंगे फिर। तो ये ट्रेन सहरसा रेलवे स्टेशन से डिपार्चर कर चुकी है। तो चलिए हम मिलते हैं डायरेक्ट वहाँ पर राजेंद्र नगर टर्मिनल में। फिर वहाँ से चलेंगे रूम पर और रूम पर से खाना वगैरह खा करके आएंगे। फिर शाम में हमारी ट्रेन है तो वो लेंगे और चलेंगे रांची। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, कंटिन्यू करते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ राजेंद्र नगर टर्मिनल और यहाँ से अभी ये नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे वहीं पर ये ट्रेन आई है कोसी। अभी चलते हैं रूम पर और फिर वहाँ से शाम को है रांची के लिए ट्रेन, तो वो ट्रेन लेंगे और फिर हम लोग चलेंगे रांची। ये है छोटा भाई और ये है मम्मी। तो हम लोग खाना वगैरह खा लिए हैं और चलते हैं। चलिए मिलते हैं डायरेक्ट पटना रेलवे स्टेशन पर। तो ये हमारी ट्रेन लगी हुई है पाटलिपुत्र और हटिया एक्सप्रेस। इसका टिकट मैंने 5 दिन पहले ही ऑनलाइन बुक किया था जो कि 40 वेटिंग लिस्ट में था। तो हमारा RAC कंफर्म हुआ है, मतलब RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। एक ही सीट पर 2 पैसेंजर को शिफ्ट कर दिया जाता है। तो मेरा और मेरी मम्मी का सीट, मतलब हम दोनों का एक ही सीट दिया गया। हमने 2 बुक किया था बट एक ही सीट मिला है। तो यही है, ये हमारा सीट है, S4 में है 31 नंबर सीट। ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से खुल चुकी है। ये है पाटलिपुत्र एक्सप्रेस। यहाँ से रांची का टोटल दूरी है पटना जंक्शन से 533 किलोमीटर और ये टाइम है पहुँचाने का इसका 13 घंटा, बट 1-2 घंटा ऐसे लेट हो जाती है ट्रेन, तो 14-15 घंटा में पहुँचाएगी लगभग। अभी हमारी ट्रेन ये डिपार्चर कर चुकी है यहाँ पटना जंक्शन से। तो चलिए, अब मम्मी तो सो गई है और मैं बैठा हुआ हूँ, बैठ कर ही जाना होगा एक आदमी को। अगर मैं सोऊंगा तो मम्मी जगेगी, मम्मी सोएगी तो मैं बैठा हुआ हूँ। तो चलिए मिलते हैं आगे। अच्छे लगे हुए देख रहे हैं आप लोग। ये है हमारी पाटलिपुत्र हटिया एक्सप्रेस जो कि पटना से चलकर अभी धनबाद पहुँच चुकी है। आप लोग देख सकते हैं ये धनबाद रेलवे स्टेशन है जो कि कोयला खदानों के लिए प्रमुख है यहाँ पर झारखंड का ये धनबाद शहर। तो अभी फाइनली 9 घंटा चलने के बाद ये ट्रेन पहुँची है धनबाद और अभी और 5 घंटा लगेगा रांची जाने में। तो अभी ट्रेन ये डिपार्चर कर चुकी है यहाँ धनबाद रेलवे स्टेशन से। इसका यहाँ पहुँचाने का टाइम था 12:07 में और ये आई है अभी 1:17 हो रहा है ट्रेन। तो अब इसके आगे आएगा ये बोकारो स्टील सिटी वगैरह है और फिर अब पहुँचेगी। 1 घंटा डिले चल रही है ट्रेन, इस वजह से 1 घंटा देरी से पहुँचाएगी रांची। तो चलिए आगे मिलते हैं। ये है बोकारो, आप लोग ज़रूर जानते होंगे इसके बारे में। यहीं पर स्टील का सबसे बड़ा उद्योग है इसलिए इसको स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये है नामोम रेलवे स्टेशन। पता नहीं इस रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का स्टॉपेज है नहीं, बट ये धीरे धीरे स्लो हो रही है, पता नहीं रुकेगी शायद या क्या। तो अभी इसके आगे बस रांची रेलवे स्टेशन ही है
अभी हम लोग रांची रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, तो ट्रेन अपने निर्धारित समय से ही छोड़ी। तो यहाँ पर अभी चलते हैं, अभी सुबह के बजे हैं 4:30, तो अभी थोड़ा सा फ्रेश और हो रहा है, 5-6 बजे चलेंगे, यहाँ से ऑटो लेते हैं, फिर चलेंगे कांके और आप सबको दिखाएंगे बाद। बाकी ये है यहाँ का रांची का रेलवे स्टेशन। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं, ये जो पीछे बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं ये CIP का बोर्ड है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी। यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये हॉस्पिटल, एक है स्टेट गवर्नमेंट का, वहाँ पर रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी। तो अभी हम पहुँचे हुए हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये बड़ा हॉस्पिटल है, तो इसलिए हम सोचे कि क्यों ना वहीं पर दिखाया जाए। तो हम यहीं आए हुए हैं और मम्मी को अभी दे दिए हैं, चलिए अंदर चल के आप सबको दिखाते हैं। ये रेलवे स्टेशन से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। आप बोलिएगा कि CIP जाना है तो कोई भी रेलवे स्टेशन से ऑटो मिल जाएगी और 50 रुपया भाड़ा लगेगा। आप लोग को अगर किसी को आना हो तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ये यहाँ पर जो है पार्क बना हुआ है, हॉस्पिटल का ही ये पार्क है, इधर ये बड़ा सा है। चलिए यहाँ से चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आप सबको। यहाँ पर ऐसे कैमरा अलाउ है नहीं, बट फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा बहुत दिखा दे रहा हूँ। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये सभी पेशेंट हैं, सुबह से ही आकर के नंबर में बैठे हुए हैं, मतलब जब नंबर लगेगी तो ये लोग लाइन में लगेंगे, अभी सभी बैठे हुए हैं। और ये है, ये देखिए ये छोड़ा को देखिए टांगे में कड़ी लगा दिया, भाग रहा होगा जहाँ तहाँ। इलाज वगैरह हो गया है और हम लोग अभी ऑटो से जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ पर जो सभी डॉक्टर का बात करने का तरीका हो या चाहे कुछ भी, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से था और बहुत ही अच्छा बर्ताव करते थे एक दूसरे के साथ, चाहे डॉक्टर हो या चाहे हॉस्पिटल के सभी स्टाफ हो। तो हम लोग चलते हैं अभी रेलवे स्टेशन और वहाँ से ट्रेन है, फिर हम लोग चलेंगे। अभी तो बादल भी ढका हुआ है, बारिश भी हो रही है थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं किधर होटल है, कुछ खाना खाएंगे और फिर चलेंगे। फाइनली इलाज वगैरह हो गया, तो हम लोग अभी खाना खाने लगे थे और खाना खा के अभी जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पर। अभी हमारी ट्रेन है 10:30 पटना के लिए। तो अभी आ गए हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन और ये जो देख रहे हैं आप लोग ये है रांची का रेलवे स्टेशन। अभी टाइम हुआ है 9:30, अभी 9:24 हुआ है और 1 घंटा अभी वेट करना पड़ेगा हम लोग को, तो फिर बैठते हैं ट्रेन में। रात में तो ट्रेन पकड़ लिए थे और हम तो सो गए थे ट्रेन में, इधर से भी टिकट स्लीपर का बुक किए हुए थे, तो इधर से भी RAC ही कंफर्म हुआ, यहाँ से 3 ही ये बुक किए थे। ये अभी हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है सिमुलतला, और आप लोग ज़रूर सुने होंगे नाम सिमुलतला का, जो कि एक बिहार सरकार एग्ज़ाम भी लेती है ये सिमुलतला का, नेतरहाट का। ये सिमुलतला जो है 2010 में बिहार सरकार द्वारा ये प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। ये यहाँ पर टैलेंट का फैक्ट्री भी कहा जाता है यहाँ सिमुलतला को, यहाँ पर सिमुलतला आवासीय विद्यालय यही है। तो अभी यहाँ से क्रॉस कर रही है हमारी ट्रेन, ये देखिए क्या खूबसूरत सा नज़ारा है इधर का, पहाड़, पहाड़ों के बीच में ये मंदिर, बहुत ही आकर्षक दिख रहा है ये नज़ारा।